पर्यावरण संरक्षण में इको टास्क फोर्स एक अहम भूमिका निभाती है। कई बार संसाधनों की कमी होने के चलते इस फोर्स को तमाम दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इको टास्क फोर्स को बड़ी सौगात दी। सीएम धामी ने इको टास्क फोर्स के लिए 2 बलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इको टास्क फोर्स लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने इको टास्क फोर्स के प्रयासों की सराहना करते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुझे खुशी है कि इको टास्क फोर्स जिन उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी, जिसकी स्थापना की गई थी, उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार आप सबके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, सतत उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। मुझे ये बताया गया कि 127 इको टास्क फोर्स प्रदेश की प्रथम जो पर्यावरण यूनिट है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1982 में गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंट्रल लेंसडाउन में हुई थी और 80 के दशक की शुरुआत में चूना पत्थरों के अवैध खनन को रोकने तथा पहाड़ों की रानी मसूरी को बचाने के लिए इस यूनिट का गठन किया गया था। 127 इको टास्क फोर्स की स्थापना के बाद से पूरे इस क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार अच्छा कार्य हो रहा है। लगातार पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। मसूरी परियोजना में पर्यावरण संरक्षण तथा माइन क्षेत्रों को हरा भरा करने के अपने प्रयासों हेतु 1982 में इको टास्क फोर्स को उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी सम्मानित किया था। विगत 40 वर्षों में 127 इको टास्क फोर्स ने उत्तराखंड राज्य के 1200 से भी अधिक जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनको भर्ती करके टेहरी, चमोली, देहरादून तथा सीमांत गांव माणा तथा मलारी में लगभग 20,698 हेक्टेयर भूमि पर 1,98,00,000 पौधों का रोपण किया गया है। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के वन विभाग को 127 और 130 टास्क फोर्स, इको टास्क फोर्स की 4 वित्त पोषित कंपनियों के लिए 5 साल एफई के विस्तार की सहमति देने के लिए भी मैंने आवश्यक निर्देश जो है जारी कर दिए हैं। वर्तमान में इको टास्क फोर्स की कंपनियां सहिया तथा योगेश्वर जो ब्लॉक हैं, वहां पर भी पौधारोपण का काम कर रही है, मुझे बताया गया है। मुझे जानकर अपार हर्ष हो रहा है कि 127 इको टास्क फोर्स ने अपने पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए श्रेष्ठतम पर्यावरण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी की है। हम इको टास्क फोर्स के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ उत्तराखंड को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी अव्वल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और हमने कोशिश की है कि एक एक क्षण और एक एक पल राज्य के लिए लगाएं, राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल कराएं। उसमें हमको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार सहयोग भी मिल रहा है, उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है और उनके द्वारा जो हम उत्तराखंड राज्य के लिए अपेक्षा करते हैं, वो सारी अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम, उनको पूर्ण करने का काम, उनको स्वीकृति देने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। अंत में मैं इको टास्क की पूरी टीम को, आप सभी को बधाई देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।